हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जयेस मोची ब्लॉग चैनल में। और दोस्तों देखिए, आपके बहुत सारे कमेंट पे मैं आ गया हूँ कला भवन पोलो ग्राउंड मैदान पे। जैसा कि दोस्तों आप लोग कह रहे थे कि गणेश जी के मूर्ति के लिए पोलो ग्राउंड के जो गणेश जी है उसके जो है वीडियो लाओ, बट दोस्तों आप देख रहे हो सामने, देखिए बहुत सारे स्टॉल अभी भी जो खाली पड़े हुए हैं, बहुत सारी मूर्तियाँ जो अभी बन रही है। पीछे जो की तरफ मैं ले जाऊँगा आपको, सब कुछ दिखाने वाला हूँ। बट दोस्तों जब तक स्टॉल खुलेंगे नहीं तो हम वीडियो कैसे बनाएंगे, है ना। तो जो भी अभी यहाँ पर अवेलेबल है, जो भी मूर्तियाँ अवेलेबल है, सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा और ज़रूर से पोलो ग्राउंड का पार्ट टू लेके आऊंगा, जिसमें आपको बड़ी मूर्तियों का टूर करवाने वाला हूँ। अभी जो आप मेरे साथ सामने देख रहे हो, बहुत सारे स्टोर खाली पड़े हुए हैं और बहुत सारे स्टोर जो है इस तरीके से सजे हुए देखने को मिल रहे हैं। अभी भी जो है माल आने का काम चालू है, काफ़ी ज़्यादा जो है ट्रैफिक हमें देखने को मिल रहा है, बट दोस्तों कस्टमर्स जो है वो अभी है नहीं। आप देखिए इस तरीके से जो है स्टॉल हमें देखने को मिल रहे हैं, बहुत बड़ा स्टॉल है। यहाँ पर भी देखिए बहुत छोटे छोटे माटी की मूर्तियाँ यहाँ पर शायद मिल सकती है हमें। देखिए तो दोस्तों इस तरीके से काफ़ी सारे स्टॉल अभी सज चुके हैं और काफ़ी सारी जो है चीज़ें अभी आने के लिए मार्केट में बाकी है। और दोस्तों आगे चलते हैं, मैं आपको दिखाएं। दोस्तों आप देखिए यहाँ पर सामने जो है कुछ स्टॉल हमें भरे हुए देखने को मिल रहे हैं, बाकी जो आप जो है खाली पड़ा हुआ, यहाँ पर सारे स्टॉल जो है लाइन में हमें खाली पड़े हुए देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों अभी इस बार जो है कुछ प्रॉब्लम था इन लोगों का और कुछ मीटिंग्स और स्टॉल के रेंट के बारे में कुछ, तो इस वजह से ये सारी चीज़ें चल रही थी। यहाँ पर देखिए छोटी बड़ी मूर्तियाँ है, बट दोस्तों शॉप के ओनर जो है कहीं ना कहीं पे माल लाने के लिए चले गए हुए हमें देखने को मिल रहे हैं। देखिए यहाँ पर कितने सारे स्टॉल अभी भी खाली पड़े हुए। तो दोस्तों देखिए एक स्टॉल हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ पर काफ़ी बढ़िया जो है मूर्ति हमें 2-3-4 फुट में यहाँ पर देखने को मिल रही है। भाई आ मूर्ति की कीमत कितनी है? जे बैठा है 13,500 और बाजू में है 12,500। ये रीते अलग अलग वस्तुओ है, अलग अलग है। आम के फूट सुधी मूर्ति अपन मैं के फूट लगे बराबर आ 3-4 फूट मूर्ति हो आप समझो कि 8-10 फूट मूर्ति जो है तो अपनी पास मैं बार बराबर ए जे बार पड़ी है ये एक शू प्राइस में आवश्यक तो दोस्तों देखिए 11 फुट की मूर्ति है लाल बाग का राजा, यहाँ पर धूप में ढक के रखी हुई है। और प्राइस तो की थी तमें 20,500 में ये जो मूर्ति है लाल बाग का राजा हमें मिलने वाली है 20,500 रुपये में। और यहाँ पर दूसरी जो मूर्ति है अपन लाल बाग में छे सूर्य અને આ શું પ્રાઇસ ની છે? 22,500 ના એ વાત સાંભળે 18,500 છે 18,500 ને પેલી 20,500। तो दोस्तों देखिए इस तरीके से जो है प्राइजेस अभी भी कंफर्म नहीं है, ये सारी प्राइजेस आपको लमसम रेट्स दिखा रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पर जो है प्राइस बार्गेनिंग काफ़ी बढ़िया से आप कर सकते हो, जो इन लोगों का कहना है। बहुत सारी मूर्तियाँ अभी भी आप देखिए, मैंने आपको जिस तरीके से बताया कि अभी भी देखिए व्हीकल में ही जो है मूर्ति यहाँ पर पड़ी हुई हमें देखने को मिल रही। और साथ ही में आप दोस्तों देखेंगे कि बहुत सारे जो है एकदम हमें न्यू पैटर्न्स में मूर्तियां यहां पर देखने को मिल रही है। देखिए बहुत ही बढ़िया जो है हमें एक शेर के साथ यहां पर मूर्ति देखने को मिल रही है, सिंहासन बहुत बढ़िया जो है। इसी तरीके से अगर आपको कोई और चाहिए तो यहां पर देखिए बहुत ही बढ़िया कलर जो है चेंज हो जाता है और उसी तरीके का सिंहासन है सिंपल ही। तो आ सिंपल सिंहासन वाली केला नहीं है केला वाली छे आ विजय जाट आ सिंपल सिंहासन वाली केली छोटिया 12,500 પછી ભાઈ કિંમત થશે ને થશે ઓકે। તો દેખિયે દોસ્તો યહાં પર પીછે સિંહાસન નહીં આયેગા, નીચે જો બેઠક હે
वो आपको देखने को मिलेगी 12,500। और यहाँ पर आज पाछड़ सियासन वाड़ी छे आखी है भाई, ये 60,000 मा पर है भाई। आया आ हां आ 7,000 मा फिक्स है बराबर। तो दोस्तों देखिए 7,000 रुपये में फिक्स रेट में बहुत ही बढ़िया मूर्ति है। और दोस्तों इसी तरीके के आप देख रहे हो सामने बहुत ही ज़्यादा जो है मूर्तियों का स्टॉक है यहाँ पर। तो आपको जो है अपने हिसाब से 6, 8, 10, 11 फुट की जो मूर्तियाँ हैं वो सारी आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों देखिए एक एंडिंग में स्टोर है, अभी बैनर लगने बाकी है। यहाँ पर हम पहुँच गए, यहाँ पर भी मैं आपको एवरेज प्राइस दिखाने वाला हूँ। 3 से 4 फुट की मूर्तियाँ हमें इस स्टोर में देखने को मिल रही है, बराबर ने भाई? 3 से 4 फुट की मूर्तियों से ने आ बधी अने शू किंमत थी चालू थशे? आज पहला बापा छे आपणे, एमनी शू किंमत छे? 10,000 रुपया बराबर। तो देखिए दोस्तों ये मूर्ति का प्राइस 10,000 रुपये है। ये सारी प्राइजेस लमसम है, इसमें कोई भी फिक्स रेट नहीं है। शॉप के ऑनर से आप किसी भी तरीके से बार्गेनिंग कर सकते हो। ये हर साल का है, इनका कोई टेंशन की बात नहीं है। आप जहाँ से भी वीडियो को देख रहे हैं जरूर से पोलो ग्राउंड में आइए। सामने देखिए लालबाग चार राजा बैठे हुए जो गणेश जी है। आ लालबाग वाला शू प्राइस में छे? 16,000 रुपया। जो कोई भी वस्तु फिक्स नहीं, हाँ लोगों वीडियो जो है ना आपसे तो प्राइस करी ना आप जो। तो देखिए मैंने शॉप के ओनर से भी बात कर ली है, प्राइस जो है बार्गेनिंग करने को बोलो। शू नाम से तुम्हारो? कमलेश भाई करके है। तो दोस्तों देखिए अभी मार्केट में जो है मूर्तियाँ बनना चालू है। सामने देखिए बहुत सारी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ जो है बन रही है, मैं आपको ले चल के दिखाने वाला हूँ। काफ़ी जो है काम अभी बाकी हुआ है और कलर का काम जो है अभी होने वाला है। दोस्तों शॉप के ओनर जो है हमें बता रहे हैं सारी चीज़ें अभी अभी बनाई गई है, मतलब में फ्रेश माल है। कोई भी जो है आपको नदियों से निकाला गया माल यहां पर देखने को नहीं मिलेगा। बहुत ही बढ़िया से कारीगर लोग जो है हर साल मेहनत करके नए नए जो है गणेश जी यहां पर लेकर आते हैं। तो दोस्तों आप इस जो है शॉप की विज़िट करिए और दोस्तों बहुत ही बढ़िया से आपको यहाँ पर गणपति बाप्पा मिलने वाले हैं। आ सलंग आपणूज छे ने? બસ તારે બધું આવી જશે તો પડેલા। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर हमें बापा देखने को मिल रहे हैं, बहुत बढ़िया मूर्ति है। तो शॉप के ओनर के साथ बात करने वाले हैं इस मूर्ति के बारे में। भाई कितने फुट की मूर्ति है? साढ़े पाँच फुट की मूर्ति है। अने क्या प्राइस में मिलेगी? कम से कम 9,000 सुधी मिली जैसे। 9,000 रुपया फिक्स प्राइस नहीं है, 9,000 रुपये बता रहे हैं, बट इसमें जो है बार्गेनिंग करने को आपके लिए रेडी है। गेट नंबर 1 से सीधे ही चले आइए, काफ़ी लंबा इनका स्टोर है और सारी जो चीज़ें हैं बिल्कुल फ्रेश और नई है। दोस्तों ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, बापा के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके लिए ये वीडियो लाके दे रहा हूँ। कि आपके बहुत सारे जो कमेंट आ रहे थे कि भाई पोलो ग्राउंड के जो है गणपति बापा के स्टोर के वीडियो लेके आओ, तो मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ। पार्ट 2 भी मैं आपके लिए लेके आऊँगा जब भी बड़ी मूर्तियाँ तैयार हो जाएगी। तो आपको ऐसा ना लगे कि भाई हमारे कमेंट्स पर वीडियो नहीं बनाते हैं, हमने आपके कमेंट्स पर यह वीडियो बनाया है। तो ज़रूर से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसी तरीके से आप अपने महत्वपूर्ण कमेंट मुझे कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा। चलिए दोस्तों आगे स्टोर की विज़िट करते हैं।
यहाँ पर दोस्तों देखिए एक शिव मूर्ति भंडार करके आपको गेट नंबर एक के सामने जो है शॉप मिलने वाला है। जिस जो भी आपको बड़ी बड़ी मूर्तियाँ दिखाई मैंने, 5-4 फुट 6 फुट की जो मूर्तियाँ है, इससे ज़्यादा 10-11 फुट की जो भी मूर्तियाँ इनके पास अवेलेबल है। ये स्टोर के ओनर है, शू नाम से आप? योगेश भाई चुनारा। तो देखिए दोस्तों, भाई जो है मूर्ति बनाने का काम करते हैं और ये जो स्टोर है वहाँ से स्टार्ट होके जो पूरा मैंने आपको विजिट करवाया, ये सारा जो है माल इनका लगा हुआ है। तो ज़रूर से दोस्तों योगेश भाई के पास आइएगा और बहुत ही बेहतरीन प्राइस पे बार्गेनिंग के साथ जो है मूर्ति देने वाले हैं। इनसे मैंने बात कर ली है, तो ज़रूर से आप गेट नंबर एक के सामने यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। आप बोले ना इतना शू प्राइस है ये भोलेनाथ की? अगर आपको डेकोरेशन में मूर्ति चाहिए तो दोस्तों 7-8 हज़ार रुपये यहाँ पर भी बार्गेनिंग अवेलेबल है। पर दोस्तों देखिए बहुत ही बेहतरीन सारी जो है हमें न्यू पैटर्न और न्यू कलर्स के साथ सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। बिल्कुल भी कोई भी घिसा पिटा हुआ और नदियों से निकाल के रिनोवेट किया हुआ माल हमें देखने को नहीं मिल रहा है। इस स्टोर की बहुत ही बेहतरीन जो चीज़ है मुझे यही देखने को मिली, क्योंकि दोस्तों काफ़ी ज़्यादा जगह पर जो है हमें कहीं ना कहीं पे रिपेयरिंग किया हुआ माल देखने को मिलता है। ये दोस्तों पूरा केदारनाथ का डेकोरेशन है। अभी सन की वजह से कलर जो है इफेक्टेबल ना हो, इसकी वजह से इसे ढक के रखा गया है। तो इसकी प्राइस क्या है भाई? 10,000 रुपये से स्टार्टिंग प्राइस होती है। कोई भी चीज़ें जो है आपको जो है बिल्कुल भी फिक्स रेट नहीं है। ये चीज़ें मैं आपको बार बार इसके लिए बता रहा हूँ कि दोस्तों जो है सारी चीज़ें यहाँ पर जो है आपके लिए बारबल है। तो दोस्तों इस चीज़ को ज़रूर से आप जो है बार्गेनिंग कीजिएगा प्राइस में, तो ये लोग आपको जो है बार्गेनिंग प्राइस पे सारी चीज़ें दे सकते हैं। दोस्तों देखिए बहुत ही बेहतरीन स्टोर है और पूरी जो है अपनी जो छोटे से पंडाल की जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है, 2-3-4 फुट की जो मूर्तियों की हमारी छोटे पंडाल की जो रिक्वायरमेंट है यहाँ पर दोस्तों फुलफिल होने वाली है। योगेश भाई चुनारा के शॉप पे मैंने जो आपको एड्रेस और जो है सारी चीज़ें आपको बता दिया है। तो दोस्तों देखिए जो हमने शंकर भगवान के रूप में गणेश बापा जी देखे थे, तो वो हमें और कलर में अगर हमें डेकोरेशन के हिसाब से अगर कोई अलग कलर में चाहिए तो भी जो है बापा जो है उनके पिताजी के रूप में यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे। बहुत ही बेहतरीन मूर्ति है, बहुत ही ज़ोरदार जो है काम किया हुआ है। आप देख सकते हो एकदम फिनिशिंग के साथ सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। बापा की त्रिशूल से लेके जटा से लेके सारी चीज़ें आप देखिए, बहुत ही बेहतरीन मूर्ति है यहाँ पर और जो है देखने भी बहुत ही बढ़िया जो है कलर के हिसाब से हमें देखने को मिल रही है। तो दोस्तों अगर आपको अपने डेकोरेशन के हिसाब से कलर पैटर्न्स के हिसाब से अगर आपको चाहिए, और दोस्तों देखिए यहाँ पर ये जो है एक न्यू कलर में, मतलब में ये पैटर्न इन्होंने निकाला हुआ है येलो कलर में, पूरा आपको गेटअप के साथ मिल जाएगा। तो इसी तरीके के बहुत ही बेहतरीन डिज़ाइनेबल जो है हमें जो है गणेश जी की मूर्तियाँ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही। तो दोस्तों देखिए बहुत ही ज़्यादा जो है धूप में तप के जो है व्लॉग बनाने का काम चल रहा है, क्योंकि दोस्तों आप लोगों के कमेंट थे, आप लोगों के कमेंट को दोस्तों हम अगर नहीं मानेंगे तो कैसे काम चलेगा। देखिए यहाँ पर बहुत सारी जो है मूर्तियाँ यहाँ पर बनी हुई हमें तैयार देखने को मिल रही। कुछ मूर्तियों का जो है अभी भी काम जारी है, यहाँ पर देखिए कलर का वगैरह काम चल रहा है। अंदर बीच में बहुत ज़्यादा कलर जो है हमें उड़ता हुआ देखने को मिल रहा है। कुछ मूर्तियाँ हमें ऐसी देखने को मिलेगी कि जो है हाथ सूंड तो देखिए कुछ मूर्तियों का जो काम है वो हाथ सूंड उनके आयुध वगैरह लगाने का काम चल रहा है। और इस जो है शॉप के जो है हम विजिट करेंगे, कुछ ही मूर्तियाँ ऐसी है जो कलर हुई हमें देखने को मिल रही। इनका कहना इस तरीके से है, आप देखिए जो मूर्ति यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है, जो मैंने आपको बताया कि सूंड और हाथ के जो काम है
वो सारे अभी भी बाकी है, और ये सारे काम हो जाने के बाद जो है फाइनली इस तरीके से मूर्ति तैयार हो जाती है। देखिए ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारी मूर्तियाँ पॉलिशिंग फिनिशिंग के साथ रेडी हो चुकी है। और दोस्तों इसे सूखने के लिए छोड़ दिया गया है, ये जब सूख जाएंगी तब जो है कलाकार जो है इन मूर्तियों को जो है पेंट करेंगे, जब कि हम कोई भी पंडाल के अंदर जो है मूर्तियाँ लगा सकते हैं। अभी कारीगर जो है घिसाई पिटाई का काम कर रहे हैं, तो इनसे बात करेंगे। बात क्या करनी है, यहाँ पर देखिए सारी जो है सफाई का काम वगैरह चल रहा है। तो कुछ ही दिनों में भाई कितना दिवस में आ मूर्तियों कलर थी ने तैयार थे जैसे તો દોસ્તો દેખિયે બહુ સારી જો હે બડી બડી મૂર્તિયા યહા પર હે। हमने कारीगर से भी बात की, जो है घिसाई पिटाई का सारा काम चल रहा है और फिनिशिंग कलर के साथ जो है आपको 15 तारीख के बाद जो है रेडी मूर्तियां मिलने वाली है। अरे अभी वैसे मोटा मोटी मूर्तियों कितना कितना फुट नीचे है, 11 फुट नीचे, ये देखिए 11 फुट 15 फुट, ऐसी बड़ी बड़ी मूर्तियों की अगर रिक्वायरमेंट है तो दोस्तों यहाँ पर सारे स्टोर में तैयार हो रहे हैं। अभी भी आप देख रहे हो कारीगर जो है मेहनत करने पे लगे हुए हैं, इनकी जो है फुल फैमिली इनका इस काम में लगी हुई है, रात दिनों की मेहनत कर रहे हैं, तभी जाके हम जो है गणेश पर्व मनाने वाले हैं। चलिए दोस्तों तो दोस्तों देखिए कुछ कारीगर, मैंने आपको बताया कि पोलो ग्राउंड पर इस तरीके से काम चल रहा है ऐसे मूर्तियां बनाने का। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है अभी तक तो मैं ऊपर जो है आई बटन में लिंक लगा रहा हूँ, मूर्तियां कैसे बनती है इसकी सारी मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है। और देखिए अभी भी जो है पोलो ग्राउंड पर जो है कारीगर जो है काफ़ी बढ़िया से काम करते हुए हमें देखने को मिल रहे। इसकी वजह ही से दोस्तों मैं जो है पोलो ग्राउंड के 4 से 5 बार चक्कर काट चुका था, आपके जो है कमेंट बहुत ही ज़्यादा आ रहे थे इसकी वजह से। बट दोस्तों कारीगर जिस तरीके से काम कर रहे हैं हमें अभी भी मूर्तियां बनने का काम होता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए दोस्तों आगे भी मैं आपको जो है स्टोर विजिट करवा रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर जो है गणपति बापा के झूला वगैरह बनाए हुए हैं। बट दोस्तों देखिए आपको जो है यहाँ पर कोई भी कलर काम किया हुआ मूर्तियाँ देखने को नहीं मिल रही है। जो बड़ी मूर्तियों की हम बात कर रहे हैं यानी कि 8, 10, 9, 11, 12 फुट की जो मूर्तियों की हमें रिक्वायरमेंट है वो सारी चीज़ें जो है हमें अभी कलर हुए बगैर की देखने को मिल रही है। तो पूरे पोलो ग्राउंड का जो है हम टूर करते हुए गेट नंबर 2 पर आ पहुँचे हैं। यहाँ पर जो है हमें साज सजावट के लिए भी एक जो है बहुत ही बेहतरीन स्टोर देखने को मिल रहा है। इसको अगर डिटेल में आपने नहीं देखा है तो मैंने साज सजावट के लिए भी बहुत ही बेहतरीन जो है वीडियो एक बनाया हुआ है, जिसका मैं लिंक जो है आई बटन में लगा रहा हूँ। तो दोस्तों उस शॉप को भी आप विज़िट कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों जो है गणपति बप्पा को बिठाने के साथ साथ हमें डेकोरेशन की भी काफ़ी बढ़िया ज़रूरत पड़ने वाली है। यहाँ पर देखिए छोटे बड़े जो पंडाल लगे हुए हैं, बहुत सारे जो पंडाल हमें आसपास में देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर मिट्टी की मूर्तियाँ और POP की छोटी छोटी मूर्तियाँ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। आप देखिए 2 से 3, 4 फुट की मूर्तियाँ अगर अभी आपको रिक्वायरमेंट है तो इसके लिए आप ज़रूर से स्टोर को विज़िट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको कोई बड़ी मूर्तियों की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि दोस्तों 5 से 10 फुट की मूर्तियों की, 11 फुट की, 15 फुट की, ऐसी बड़ी बड़ी मूर्तियों की अगर रिक्वायरमेंट है तो अभी भी आपके लिए टाइम है। आप जो है 15 से 17 तारीख के आसपास में विज़िट कर सकते हैं, जबकि 19 तारीख को गणेश जी आने वाले हैं। दोस्तों ये था आपकी रिक्वायरमेंट पे पोलो ग्राउंड का व्लॉग वीडियो। तो दोस्तों हमने जो भी गेट से स्टार्ट किया था, गेट नंबर 1 के पास हम पहुंच चुके हैं। काफ़ी कुछ मार्केट में जो है सारी चीज़ें आ रही है, अभी भी देखिए ट्रांसपोर्टिंग हो रहा है, कुछ जो गणेश जी वगैरह आप बन रहे थे सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों पोलो ग्राउंड के गणेश मूर्ति के जो स्टोर का मैंने आपको विज़िट कराया है, सारी चीज़ें मैंने आपको जो भी यहाँ पर अवेलेबल थी सारी चीज़ों की मैंने आपको विज़िट करवा दी है। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपने महत्वपूर्ण राय जरूर से लिखिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे हिट करके रखिएगा, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग आपसे बिल्कुल भी
मिस ना हो। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।